मोदी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 4 सालों में भारत से नारियल उत्पादों का निर्यात बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है। मोदी सरकार के पहले 4 सालों यानी 2014 से 2018 में भारत के नारियल उत्पादों का निर्यात 6,448 करोड़ रुपया हो गया है, जबकि मनमोहन सरकार के 10 सालों यानी 2004 से 2014 के दौरान 3,975 करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात हुआ था। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नारियल उत्पादों के निर्यात में निकट भविष्य में ये वृद्धि और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि नारियल के उत्पादों की कीमत तेजी के साथ प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। मोदी सरकार वर्ष 2015 से 2020 के लिए नई विदेश व्यापार नीति के तहत 5% प्रोत्साहन देकर नारियल उत्पाद निर्यात को बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार में भारत ने मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में नारियल का तेल निर्यात करना शुरू कर दिया है। पिछले साल भारत इन देशों से नारियल का तेल आयात करता था। इसके अलावा पहली बार भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ी मात्रा में सूखे नारियल का निर्यात कर रहा है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का वार्षिक नारियल उत्पादन 2,437.80 करोड़ रुपए का है और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 11,616 नारियल की है। इस फसल की 20.98 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। ये फसल जीडीपी में 34,100 करोड़ रुपए का योगदान देती है। देश के 1 लाख से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए इस फसल पर निर्भर हैं।